गाइस पोको X6 Pro RGB 256GB 26,999 रुपए, 2,000 रुपए कैश डिस्काउंट एंड साथ में आपको 1,250 रुपए का क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड को छोड़ दो तो हर कोई इसको 25,000 रुपए में खरीद सकता है। तो क्या इस प्राइस में ये वर्थ है? चलो इसका कंपैरिजन करते हैं पोको F5 के साथ एंड देखते हैं ये कहाँ स्टैंड करता है। पोको F5 ग्लॉसी प्लास्टिक बैक वाला फोन है, थोड़ा स्लिपरी फील होता है एंड पोको X6 Pro का मैंने वीगन लेदर वाला वेरिएंट खरीदा है मैट फिनिश जो बेटर ग्रिप देता है। वेट 9 ग्राम ज्यादा है X6 Pro का बट बिल्कुल भी फील नहीं होता, दोनों सेम लगता है। फ्रंट से देखो तो दोनों स्मार्टफोन सेम लगेगा, कैमरा का कटआउट या फिर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों का सेम है 93.4% के आसपास। दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, पावर एंड वॉल्यूम बटन दोनों में राइट साइड पे मिल जाएगा बट पोको F5 का पावर बटन थोड़ा बड़ा है बिकॉज इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर एम्बेडेड है एंड पोको X6 Pro में इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है जो एक्चुअली प्रीमियम फील देता है एंड परफेक्टली काम कर रहा है, फास्ट भी है और एक्यूरेट भी। वैसे पोको F5 कई महीने से यूज करने के बाद भी इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर परफेक्टली काम कर रहा है अभी भी। दोनों में IR ब्लास्टर मिल जाएगा, दोनों में डुअल स्पीकर है, दोनों में माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट आपको नहीं मिलेगा बट पोको F5 में हेडफोन जैक मिलेगा, X6 Pro में नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में आपको MIUI वाला डायलर मिल रहा है, यानी आप ऑटोमेटिकली कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हो एंड दोनों का हैप्टिक फीडबैक भी अच्छा है। गाइज पोको X6 Pro में आपको NFC मिल रहा है बट पोको F5 में नहीं मिल रहा है इंडियन वेरिएंट में। एक और इंटरेस्टिंग बात, पोको F5 में आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा बट पोको X6 Pro में नहीं मिलेगा, यानी कॉलिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है X6 Pro में। गाइज एक काम की बात बताऊं, 5G बैंड्स आपको X6 Pro में ज्यादा मिल रहा है एंड 5G डाउनलोड स्पीड भी। दोनों स्मार्टफोन में मैंने जियो का 5G सिम डालकर एक 1.3GB का गेम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देखा एंड गेम 100% डाउनलोड हो गया पोको X6 Pro में 2 मिनट से भी 2 सेकंड पहले एंड पोको F5 ने 3 मिनट 8 सेकंड लिया सेम गेम को 100% डाउनलोड करने में। देखो सब लोग गेमर नहीं है लेकिन सब लोग मल्टीमीडिया जरूर कंज्यूम करते हैं, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम। अगर हम स्पीकर की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है बट X6 Pro का स्पीकर ज्यादा लाउडर है, बेस ज्यादा तगड़ा है एंड ओवरऑल आउटपुट की क्वालिटी मुझे बेटर लगा X6 Pro का। नाउ कंटेंट वॉचिंग की अगर बात करूं, मूवीज एंड वेब सीरीज के लिए दोनों स्मार्टफोन सही है, दोनों HDR 10 प्लस एंड डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है एंड दोनों 12 बिट पैनल है, यानी कलर एक्यूरेसी दोनों स्मार्टफोन का बहुत सही रहेगा। दोनों 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है बट टच सैम्पलिंग पोको F5 में 240 हर्ट्ज मिलेगा एंड पोको X6 Pro में 480 हर्ट्ज एंड गाइस रेजोल्यूशन भी ज्यादा है पोको X6 Pro का 1.5K। तेज धूप में आउटडोर में आप दोनों फोन को आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा बट HDR कंटेंट के लिए आपको पोको X6 Pro में मिल रहा है 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस। क्लियरली देख सकते हो पोको X6 Pro का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट दिख रहा है एंड ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है। यूट्यूब पे दो एक वीडियो ऐसा है कि अगर आप 4K HDR वीडियो प्ले करते हो पोको X6 Pro में तो थोड़ा अटक अटक कर चलता है बट सारे 4K HDR वीडियो में ऐसा नहीं होता। तो गाइस प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड हेडफोन जैक को छोड़कर अभी तक पोको X6 Pro बेटर लग रहा है, डिस्प्ले स्पीकर डिजाइन नेटवर्क एंड इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है X6 Pro में। दोनों ही स्मार्टफोन में आप iOS 16 का एक कूल फीचर विजुअल लुकअप का मजा ले सकते हो, किसी भी पोर्ट्रेट शॉट्स को लॉन्ग प्रेस करके आप सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से कट कर सकते हो एंड उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हो एंड चाहो तो अपने पोर्ट्रेट शॉट्स का बैकग्राउंड इजीली चेंज कर सकते हो बिना एफर्ट लगाए। एंड गाइस iOS 16 स्टाइल का लॉक स्क्रीन विद डेप्थ इफेक्ट भी ट्राई कर सकते हो दोनों स्मार्टफोन में, सिंपल लॉन्ग प्रेस करके आप अपना लॉक स्क्रीन कुछ सेकंड्स के अंदर ही चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स स्टाइल फॉन्ट्स का कलर सब कुछ चेंज कर सकते हो कस्टमाइज कर सकते हो दोनों डिवाइस में। दोनों स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 14 बेस्ड हाइपर ओएस मिल रहा है बट एक बड़ा डिफरेंस है पोको X6 Pro में आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, पोको X6 Pro को 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा यानी एंड्रॉइड 15 16 और 17, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में। अब गाइस हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो पोको X6 Pro को पावर दिया है मीडियाटेक का डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा ने, साथ में आपको मिल रहा है LPDDR5X रैम एंड UFS 4x9 स्टोरेज। पोको F5 को पावर दिया है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 2 चिपसेट ने, साथ में आपको मिल रहा है LPDDR5 RAM
एंड UFS 3.1 स्टोरेज। अगर आप गेमिंग नहीं करते, नॉर्मल यूज के लिए फोन लेना चाहते हो तो आप दोनों में से कोई भी फोन ले सकते हो। डे टू डे यूज के लिए दोनों स्मार्टफोन सही है। थोड़ा तेज है पोको A5 अगर हम स्पीड की बात करें, गेम्स वगैरह लोड करने की बात करें तो, बट मल्टीटास्किंग में मुझे पोको X6 प्रो बेटर दिखा। दोनों 8GB वाला फोन था एंड ज्यादा अच्छे से टास्क को हैंडल किया X6 प्रो ने। कई 8GB वाला पोको A5 भी ले सकते हो, ऐसा कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बेटर है X6 प्रो। वैसे ये दोनों स्मार्टफोन का आप एंटूडू स्कोर भी लेटेस्ट वाला देख लो, पोको X6 प्रो का कुछ 1,19,000-20,000 स्कोर ज्यादा दिख रहा है। सीपीयू स्कोर पोको A5 का 89,000 ज्यादा दिख रहा है एंड जीपीयू स्कोर 1,40,000 ज्यादा दिख रहा है पोको X6 प्रो का। गाइस गीगबेंच 6 के स्कोर को अगर कंपेयर करें तो सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर पोको A5 का अच्छे मार्जिन से ज्यादा दिख रहा है। गेमिंग की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन में BGMI आप 90 FPS पे मस्त कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन 90 FPS का अच्छा एक्सपीरियंस देता है। दोनों में फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह आपको नोटिस होगा, लेकिन ओवरऑल काफी स्टेबल परफॉर्मेंस देता है दोनों स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन में मैंने 30 मिनट गेमिंग किया 90 FPS पे। पोको X6 प्रो का बैटरी 52 पे था, 39 पे दिखा, यानी 13% बैटरी ड्रेन हुआ 30 मिनट में। एंड फोन का बॉडी टेम्परेचर 35 से 43 डिग्री चला गया 30 मिनट में। गाइस पोको A5 की बात करूं तो बैटरी 60 पे था, 48 पे दिखा 30 मिनट के बाद, यानी 12% बैटरी ड्रेन हुआ 30 मिनट में, थोड़ा कम X6 प्रो से। एंड टेम्परेचर भी कम दिखा, 37 डिग्री के आसपास था, 40 डिग्री मैक्सिमम दिखा टेम्परेचर। नाउ बैटरी बैकअप की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन आराम से चल जाता है, फुल डे निकाल देता है सिंगल चार्ज पे, एंड आपको 6 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। पोको A5 में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, 20-25 मिनट आपको इजीली ज्यादा मिल सकता है। ये मैं आपको 5G नेटवर्क के साथ बता रहा हूं स्क्रीन ऑन टाइम के बारे में। अगर आप वाईफाई के साथ यूज करोगे तो आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है दोनों स्मार्टफोन में। गाइस जियो 5G सिम लगाकर आप दोनों स्मार्टफोन में अगर गेमिंग करोगे ना मैक्स ब्राइटनेस के साथ 90 FPS पे, तो पोको X6 प्रो में 26-27% के आसपास बैटरी ड्रेन हो जाता है एक घंटे में, 28% के आसपास भी हो जाता है कभी कभी, एंड पोको A5 में 24-25% के आसपास। बैटरी कैपेसिटी के साथ साथ दोनों स्मार्टफोन का चार्जिंग स्पीड भी सेम है, 67 वाट। X6 प्रो 45 मिनट के आसपास में फुल चार्ज हो जाता है एंड पोको A5 5-7 मिनट ज्यादा लेता है। गाइज कैमरा की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम मिल रहा है विद OIS, एंड दोनों में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल रहा है, और फ्रंट कैमरा सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का मिलेगा दोनों स्मार्टफोन में। मेन कैमरे से आप दोनों स्मार्टफोन में 4K 30 FPS पे शूटिंग कर सकते हो, और फ्रंट कैमरे से 1080p 30 और 60 FPS दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। पोको A5 1080p 30 FPS स्टेडी मोड ऑन। पोको X6 प्रो 1080p 30 FPS स्टेडी मोड ऑन। दोनों स्मार्टफोन का वीडियो रिकॉर्डिंग का सैंपल मैंने चेक किया, मुझे पोको A5 का वीडियो रिकॉर्डिंग का सैंपल थोड़ा बेटर लगा X6 प्रो से। गाइस कैमरा दोनों स्मार्टफोन का ओके है, बट पोको X6 प्रो थोड़ा बेटर है ओवरऑल अगर मेन कैमरे की बात करूं तो। स्किन टोन मुझे मोस्ट ऑफ द शॉट्स में X6 प्रो का बेटर लगा, ज्यादा क्लोज टू नेचुरल कैप्चर किया है X6 प्रो ने, एंड थोड़ा ज्यादा अच्छा डिटेल भी कैप्चर किया है, ज्यादा शार्प दिख रहा है। लैंडस्केप शॉट्स अगर मैं आपको दोनों स्मार्टफोन का दिखाऊं तो अगेन दोनों स्मार्टफोन ने डिटेल अच्छा कैप्चर किया है, लेकिन X6 प्रो अगेन बेटर दिख रहा है, ज्यादा ब्राइट भी दिख रहा है, ज्यादा थोड़ा ज्यादा शार्प भी दिख रहा है, एंड ज्यादा बढ़िया डिटेल कैप्चर किया X6 प्रो ने ओवरऑल कुछ शॉट्स में। वैसे पोको A5 ने भी अच्छा किया है। आउटडोर में दोनों स्मार्टफोन का कलर रिप्रोडक्शन ओके दिख रहा है, बट इनडोर में आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में दोनों स्मार्टफोन का कलर रिप्रोडक्शन थोड़ा
गड़बड़ दिख रहा है। लो लाइट में दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस आपको एवरेज दिखेगा, स्पेशली डार्क सिनेरियो में। वैसे थोड़े डार्क सिचुएशन में पोको X6 प्रो थोड़ा ज्यादा ही पुअर लगा। सेल्फीज के लिए दोनों स्मार्टफोन आउटडोर में अच्छे लाइटिंग कंडीशन में आपको रिजल्ट अच्छा देगा, चाहे वो डिटेलिंग हो, शार्पनेस हो या फिर स्किन टोन। दोनों स्मार्टफोन काफी सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों स्मार्टफोन अच्छा दिख रहा है, बट इनडोर में आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में मुझे पोको X5 बेटर दिख रहा है। कलर रिप्रोडक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है पोको X6 प्रो का। वैसे लो लाइट में दोनों ही स्मार्टफोन बहुत एवरेज दिखेगा आपको। अगर आपको पोको X5 ऑफर में 25,000 के आसपास में मिल जाता है ना, तो स्टिल ये एक बहुत अच्छा डील है। 2024 में भी आप इसको ले सकते हो, बट ये आपको एंड्रॉइड 13 के साथ मिलेगा। हो सकता है आपको एक हफ्ते के अंदर ही एंड्रॉइड 14 का अपडेट मिल जाए, बट उसके बाद एक ही अपडेट मिलेगा, मेजर अपडेट एंड्रॉइड 15 का। बट गाइस 25,000 रुपए अगर आपका बजट है, आपको अभी फोन लेना है एंड आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी चाहिए, देन पोको X6 प्रो आपके लिए एक बहुत सॉलिड ऑप्शन है इस प्राइस में। मदरबोर्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको मदरबोर्ड का टेंशन नहीं है, देन आप पोको X6 प्रो ले सकते हो 25,000 में। एक बहुत ही सॉलिड स्मार्टफोन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए iPhone Unboxed।